चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ले रहे हैं और उनके आंसर बताए जा रहे हैं। ये सभी आपके क्वेश्चंस या तो वन डे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या पूछने की पूरी पूरी संभावना होती है। एक तरह से आप कहिए कि एक निष्कर्ष है जो हर बार क्वेश्चंस पूछने का इनमें से ही पूछे जाते हैं आपके। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन कल्चर से क्वेश्चंस लिए गए हैं आपके, यानी कि आप जानते हैं भारतीय संस्कृति से। तो आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय संस्कृति में क्या क्या था। वैसे आपका किरण सावन ज्ञान बुक्स जब कवर की है तो उसमें विस्तार से पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ जाकर आप लोग जरूर पढ़ लें विस्तार से, क्योंकि आप जब विस्तार से पढ़ लेते हैं उसके बाद ही मॉक टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, आप सोचें कि बिना पढ़े परीक्षा दें तो क्या स्कोर रहेगा, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो पहले आप विस्तार से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाते रहिए, बस आपका कल्याण हो जाएगा इतने से मुझे लगता है। तो चलिए 17वें टेस्ट का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन हमारे सामने? वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सुरा का प्रयोग किया जाता था? वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सुरा का प्रयोग करते थे? तो ये थी सोत्रामणि। सोत्रामणि यज्ञ पहले असुरों द्वारा किया जाता था, यानी कि राक्षसों द्वारा, जो बाद में देवताओं द्वारा किया जाने लगा। इसके प्रमुख यज्ञ सामग्री थी सुरा। सुरा, और वैदिक काल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसका समय रहा है आपका कब से कब तक, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसमें आपका वैदिक काल में ऋग वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल आते हैं इसी में। क्वेश्चन है अगला हमारे सामने, ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो ये थी परुष्णी। डी ऑप्शन हमारा सही है। इसमें आपने देखा होगा कि ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध भरतजन राजा सुदास और 10 राजाओं की युद्ध लड़ा गया था। इसमें आप देखेंगे 10 राजाओं में कौन कौन, पुरा, यदु, तुर्वसा, अनु, दुद्यु, अलीना, पक्था, भलाना, शिव और विष्णु के समूह के बीच हुआ था। इसमें आपने देखा अंतिम रूप से सुदास की विजय हुई थी। किसकी? सुदास की। और यह आपका परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? तो आप जानते हैं बिशन दास को। कब? बिशन दास को। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जहांगीर के काल को हम लोग चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं हम लोग। किसके काल को? जहांगीर के। और बिशन दास उसके समय का चित्रकार था। किसके समय का? जहांगीर के। जिसे आपने देखा होगा कि 1613 में फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए फारस भेजा था इसने। वहां वह इतना सफल हुआ कि 1620 तक रहा और उपहार में एक हाथी लेकर भी लौटा था बिशन दास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन आपका? सही काल क्रम में निम्नलिखित चिश्ती संतों को व्यवस्थित करना है आपको। सही कालानुक्रम में निम्नलिखित चिश्ती संतों को आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले बाबा फरीदगंज शंकर, यानी कि 3। फिर उसके बाद क्या देखोगे आप लोग? शेख निजामुद्दीन औलिया, यानी कि 1। फिर आपका शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली, 4। और फिर देखेंगे सैयद मोहम्मद जिसु दराज, यानी कि 2। यानी कि 3 1 4 2, 3 1 4 2। इसमें कौन सा सही विकल्प होगा आपका? सी ऑप्शन, 3 1 4 2। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वेदों का प्रथम प्रमुख टीकाकरण सैन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? वेदों का प्रमुख टीकाकार सैन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? ये विजयनगर साम्राज्य से। आप जानते होंगे कि इसकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी बुक्का, हरिहर बुक्का ने। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? कैलाशनाथ मंदिर। बेहदेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें, बेहदेश्वर मंदिर की, ये तंजौर में आपको देखने को मिलेगा, और चोल राजा राज प्रथम ने बनवाया था इसे, बेहदेश्वर मंदिर को। कोरंगनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो ये आपका यह मंदिर आपका श्रीनिवास नल्लूर में देखने को मिलेगा, जो परांतक चोल ने बनवाया था। और कैलाश मंदिर की अगर हम बात करें, कैलाशनाथ मंदिर की, तो ये आपके तमिलनाडु के कंचीपुरम में देखने को मिलेगा, इसे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। ठीक है, और ऐरावतेश्वर मंदिर की बात करें तो दरसूराम में, और ये राजा राज चोल द्वितीय ने बनवाया था। तो बेहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजा राज प्रथम ने। दूसरा कोरंगनाथ मंदिर किसने बनवाया? परांतक चोल ने। तीसरा कैलाश मंदिर किसने बनवाया? ये पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। और ऐरावतेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राज चोल द्वितीय ने। ठीक है, पता है इसमें? देखिए, कैलाश मंदिर को किसने बनवाया? ये तमिलनाडु में जो ये बनवाया है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पल्लव राजा, ठीक है। और बेहदेश्वर, कोरंगनाथ और एवं इरावतेश्वर, ये तीनों बनवाया किसने? आपने देखा होगा कि ये चोल राजाओं से संबंधित है। किनसे? चोल राजाओं से। तो मुझे लगता है कि इसमें क्वेश्चंस में मिस्टेक हो चुकी है, वरना आपको देखना चाहिए, यहाँ होना चाहिए संबंधित नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे पहला संबंधित है इनसे, दूसरा भी संबंधित है, और डी ऑप्शन भी संबंधित है, लेकिन सी ऑप्शन इससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ सुधार लीजिए आप लोग, नहीं कर लीजिए, संबंधित नहीं है, तो सी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसे आपने देखा है कि पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था, ना कि चोल शासकों ने। ठीक है, याद रखिए, इस तरह की क्या होता है कि मिस्टेक हो जाता है, या तो कभी कुछ भी एडिट कर रहे होते तो वहाँ से हट जाता है सब, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ लिया करिएगा। ठीक है, और अगर मुझसे भी कहीं गलती हो जाती है तो आप बता दिया करिएगा, ठीक है, नीचे आप लोग लिख दिया करिएगा, थोड़ा एक परिवार की तरह एक दूसरे की मदद करते रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। विष्णु के अवतारों में से एक कला में महासागर से पृथ्वी को लाने के रूप में दर्शाया गया है, वह कौन सा अवतार है विष्णु का? वह देखेंगे आप लोग, विष्णु का वराह अवतार है। कौन सा? वराह अवतार। ये वराह अवतार विष्णु भगवान का 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है। उन्होंने पृथ्वी की हिरण्यक्ष नामक राक्षस से रक्षा की थी। वराह, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बौद्ध हैं? जो महायान शाखा थी इसके अनुसार, बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बौद्ध हैं? तो ये थे मैत्रेय। ठीक है, सी ऑप्शन होगा इसमें। क्वेश्चन है आपके सामने, संथारा पिता किस धर्म से संबंधित है? संथारा पिता किस धर्म से संबंधित है? इसमें आप देखेंगे जैन धर्म से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि उपवास रख के तब तक, मतलब रखा जाता है उपवास जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए, समझ रहे हैं? एक तरह से आप सही है कि उपवास स्वैच्छिक होता है और मौत इसमें हो जाती है, जैन धर्म अनुष्ठान है ये संथारा।
क्वेश्चन है अगला हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस राजा ने के निधन पर कवि ने आद्याधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती इस प्रकार की कविता से शोक प्रकट किया? तो ये थे आपके भोज परमार। धार के राजा भोज परमार एक प्रसिद्ध राजा थे। वो एक महान कवि भी थे, विद्वान भी थे, उन्हें कविराज भी आप लोग कहते हैं। उनके निधन पर कवि ने लिखा था कि आज भीमराव भोजराज के दिवंगत हो जाने से धारा नगरी निराधार हो गई है, सरस्वती बिना आलम की हो गई है और सभी पंडित खंडित हैं। तो इस तरह के शब्द उन्होंने बोले थे। किसने, किसके डी ऑप्शन होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की पुस्तकें हैं जो नीचे आपका दिया गया है, इनमें हमें कालिदास की पुस्तकें बताना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एमपीपीएससी में एक दो बार अच्छे से पूछ लिए गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे ऋतु संहार भी इनकी है, मेघदूत भी है, दस कुमार चरित इनकी नहीं है, दस कुमार चरित इनकी नहीं है, कुमार संभव भी इनकी है। तो एक दो तीन, सॉरी एक दो चार इनकी है, तीसरी इनकी नहीं है, क्योंकि दस कुमार चरितम ये दंडी द्वारा लिखी संस्कृत की गद्य पुस्तक है, ठीक है, याद रखिए। तो इसमें आप लोग लगाएंगे एक दो चार, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है, निम्नलिखित में से कौन चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? एक नटराज, नटराज इसका अर्थ होता है नटराज का तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव भगवान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनवाए गए थे, महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनवाए गए? ये पल्लवों द्वारा। आपने देखा होगा कि महाबलीपुरम के पैगोडा मंदिर पल्लव वंश के राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया था। इसमें आप सात रथ यानी कि सात पैगोडा देखेंगे, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन है हमारे सामने, पाली भाषा में निगंठा, निगंठा, नटपुत, नटपुत किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है महावीर स्वामी को, जैन धर्म के स्वामी महावीर, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणीय ग्रंथ है? तो यह आपका तौल कप्पियम, तौल कप्पियम, तौल कप्पियम, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। यह द्वितीय संगम का युग, द्वितीय संगम युग का ग्रंथ है, यह अगस्त ऋषि के सदस्य तोल कप्पियर द्वारा लिखा गया था, ठीक है। क्वेश्चन है अगला हमारे सामने, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में देखने को मिलेगा? तो ये है आपका यजुर्वेद, क्या है, यजुर्वेद में, यह यज्ञ से संबंधित है आपका यजुर्वेद। सामवेद आपका सॉन्ग यानी कि गाने से संबंधित है, गीतों से, ठीक है। अथर्ववेद की बात करें तो इसमें भूत 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 इस तरह के नहीं रहते हैं, अंधविश्वास उनसे संबंधित है आपका, तो याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैसे आपके विस्तार से बहुत विस्तार से पढ़ा दिया था, तो आज जाकर आप लोग अच्छे से पढ़ लें, कलहन की राजतरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई थी, कलहन की राजतरंगी की रचना देखी होगी आपने कि 12वीं सदी में हुई थी इसकी, कब? कश्मीरी ब्राह्मण कवि कलहन द्वारा इसकी रचना की गई थी, और यह कश्मीर और उत्तर पश्चिम भारत के इतिहास का प्रेर प्रकाश डालती है आपकी राजतरंगिणी, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में लेखकों में से कौन से संत समकालीन समाज की बुराइयों को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं, निम्नलिखित लेखकों में से कौन संत समकालीन समाज की बुराइयों को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं? तो ये थे छेमिंद, 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 ठीक है। छेमिंद कश्मीर के प्रतिभा संपन्न कवि थे, वो कश्मीरी
ब्राह्मण थे और संस्कृत के कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं कला विलास, नरम माला में समाज की बुराइयों और भ्रष्ट तंत्र के को उजागर भी किया था। वो संस्कृत के परिहास कथा के धनी भी थे। तो याद रखिए, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है अगला आपका, वल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? ये भी आपका क्वेश्चन जिसका कई बार बन चुका है। वल्लवी काल आप लोग गुप्त काल को कहते हैं। किसे? गुप्त काल को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पशुपतिनाथ पंथ के अनुसार शिव पशु के देवता है, यहाँ पशु का आशय किससे संबंधित है? पशुपतिनाथ पंथ के अनुसार शिव पशु के देवता है, यहाँ पशु का आशय किससे संबंधित है? तो जीव से। आप जानते हैं कि पशुपतिनाथ एक शैव पंथ है, इसमें महादेव को सभी जीवों का देवता कहा गया है। मालूम है आपको शिव भगवान। एक बात और, आपको बैकग्राउंड में कभी कभी महिलाओं की आवाज़ आती होगी, यहाँ बड़ी विचित्र तरीके की महिलाएं रहती हैं नीचे, पता है आपको? इसलिए बोल रहा हूँ विचित्र टाइप की, कि एक समय आप गांव में नहीं देखते हैं कि गांव से कभी महिलाएं निकलें और वो शहर में जाएंगी तो अपने बच्चों को क्या करेंगी, ऐसे घेरा बांध के बैठ जाएंगी और बच्चे उनके खेलते रहेंगे। तो इनका भी यही उद्देश्य है, और कुछ इनका उद्देश्य भी नहीं है। चलिए खैर छोड़िए, अपन को इससे क्या लेना देना। कभी अगर इस तरह की बैकग्राउंड में आवाज़ आती है तो थोड़ा एडजस्ट कर लिया करिएगा, क्योंकि कई बार बोल भी देता हूँ फिर भी थोड़ी किसी में, आप देखते हैं ना कि किसी किसी में शर्म नहीं होती है, कि मतलब अगर कोई कुछ कर रहा है तब भी वो लोग बात करते रहते हैं। तो कुछ लोग तो ठीक है, वो मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ध्यान नहीं रहती है। हर बार बोल दीजिए, हर बार चुप हो जाएंगे, फिर भी बातें करते रहेंगे। तो एडजस्ट इतना तो मुझे लगता है कि आप लोग कर सकते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? आप देखते हैं कि कहते हैं कि रेलवे स्टेशन के नीचे पढ़ने वाला IAS टॉपर बन जाता है, तो आप तो इतना भी नहीं कर सकते। निम्नलिखित में कौन सा संगीत वाद्य यंत्र समग्र या फिर इंडो इस्लामिक मूल में है? निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र समग्र या इंडो इस्लामिक मूल में है? सितार, सहनाई, सहनाई नहीं है आपका, तबला और सारंगी। 1, 3, 4, क्योंकि सहनाई इंडो इस्लामिक वाद्ययंत्र नहीं है आपका। तो 1, 3, 4, यानी कि आप क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना ध्यानेश्वर ने की थी। क्या? किसने? ध्यानेश्वर ने। ये कर्नाटक में हुई थी इसकी स्थापना, उसके बाद ये महाराष्ट्र में चले गए थे। ठीक है, तो याद रखिए इसकी स्थापना ध्यानेश्वर ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से संत मोची का काम करते थे? निम्नलिखित में से कौन से संत मोची का काम करते थे? तो ये थे रैदास। समझ रहे हैं, ये श्रेष्ठ संत हैं रैदास। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भगवान मनुष्य के गुणों को जानता है और उसकी जाति की जांच नहीं करता है, और अगले विश्व में कोई जाति नहीं है, यह किसकी शिक्षा थी? गुरु नानक की। किसकी? गुरु नानक साहब की। ये सिख धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, गुरु नानक, अगर अगर इनके गुरु नानक की अगर हम जन्म की बात करें तो 1469 में इनका जन्म हुआ था और इनका 1539 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मस्जिद बनाने में कौन सी भारतीय कला का प्रयोग किया गया? मस्जिद बनाने में कौन सी कला का प्रयोग किया गया भारतीय कला का? कमल, कलश, अलंकरण, इन तीनों का किया गया है। किन का? तीनों का किया गया है। तो आप क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन है अगला आपका, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम विद्वान ने एक दशक तक संस्कृत और ज्योतिष का
वाराणसी में अध्ययन किया था। वाराणसी उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। तो ये थे अलवरनी, अलवरनी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सी अमीर खुसरो की किताब है, इनमें से कौन सी अमीर खुसरो की किताब है? किरान उस सादेन ये आपकी है, यानी कि अमीर खुसरो की है। तहकीक ए हिंद ये नहीं है। मिफ्ता उल फुतू ये भी है। नूर सिपी है सिपीहर ये भी है, यानी कि एक, तीन और चार, क्योंकि दूसरी आप देखेंगे तहकीक ए हिंद ये अलवरनी की है। किसकी है? अलवरनी की है, ना कि अमीर खुसरो की। तो इसमें आप लगाएंगे बी ऑप्शन, एक, तीन, चार। एक, तीन, चार। इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें, उसके बाद भी आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं इसे। किताब उल रेहला की रचना किसने की? किताब और रेहला की रचना किसने की थी? तो ये थे इब्न बतूता। आप जानते होंगे कि ये इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और तुगलक काल के इतिहास के बारे में एक कुछ ज़्यादा बहुत कुछ लिखता है, उसी समय आया हुआ था। ठीक है, किताब और रेहला है, ये तुगलक काल के इतिहास के बारे में भी बताती है आपको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में पंचायतन तरीके का सबसे पुराना उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन मंदिर में पंचायतन तरीके का सबसे पुराना उदाहरण है? तो ये है आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये आपका झांसी में देखने को मिलेगा आपको, कभी आप जाएं तो देख सकते हैं। और ये आप समझिए कि गुप्त काल के समय का है, 320 ईस्वी के काल, 320 से 600 ईस्वी के समय का है, आप देख सकते हैं। ठीक है, विष्णु मंदिर भी इसे आप लोग बोलते हैं, विष्णु मंदिर गुप्त काल का। कभी जाया करिए, इस तरह के मंदिर देखा करिएगा, आपका जीएस जीके सही होता है इससे। जब भी आप लोग मंदिर जाया करिएगा तो क्या किया करिएगा कि उसके बारे में सर्च भी कर लिया करेगा, तो इससे क्या होता है बहुत कुछ जानकारी भी मिलती है, या कभी चर्चा में है इस तरह के मंदिर तब भी आप जान सकते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक पूरा इंडिया का चक्कर लगाऊं और आप सभी लोगों को सब कुछ बारे बताऊं, सबके मंदिरों के बारे में। कभी राष्ट्रपति भवन जाऊं तो वहां आपके उसके बारे में पूरी जानकारी दूं आपको, ताजमहल जाऊं तो वहां उसकी भी पूरी जानकारी दूं। कहीं आप जो भी टाइगर रिजर्व हैं, या मध्य प्रदेश का है, या उत्तर प्रदेश का, कहीं का कुछ भी है, सब कुछ बताऊं, उस शहर के बारे में पूरी जानकारी दूं। लेकिन ये नहीं कह सकता हूं कि कब तक इसे शुरू करेंगे हम लोग, लेकिन करेंगे जरूर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है? ये विमान, विमान आपका द्रविड़ वास्तुकला का नमूना है। यह मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक टावर नुमा रचना होती है, टावर नुमा रचना, इसे ही आप लोग गर्भगृह के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस मंदिर को आप लोग ब्लैक पेगोडा के नाम से जानते हैं? तो ये आपका सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा। ठीक है, इसे 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग साम्राज्य के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ये आपका विश्व धरोहर श्रेणी में भी शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने, काला घोड़ा या कला घोड़ा नामक कला त्यौहार किस शहर से संबंधित है? ये आपका मुंबई से संबंधित है, ये आपने देखा होगा, कई बार चर्चा में भी बना रहता है। एक मुंबई का एक त्यौहार है जो 9 दिन का त्यौहार पूरे देश के साथ साथ दुनिया भर के हजारों आगंतुकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी रहता है। यह आपका जनवरी और फरवरी के माह में मनाया जाता है, जनवरी फरवरी के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, हनुक नामक विकास का महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? हनुक
नामक विकास का महोत्सव त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? ये आपका यहूदियों से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका सही है। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के सेल्यूसिड साम्राज्य के खिलाफ मैगबीन रिवोल्ट के समय यरूशलम में पवित्र मंदिर दूसरा मंदिर के पुनर्निर्माण की याद में 8 दिवसीय यहूदीय त्यौहार है। तो इसी के एक तरह से आप कह सकते हैं कि याद में इसे मनाया जाता है। एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो ग्रेगोरियन, इसी के अनुसार नवंबर से दिसंबर के अंत तक होता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे बंगाल का गीता गार्बो कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे बंगाल का गीता गार्बो कहा जाता है? तो ये सुचित्रा सेन, सुचित्रा सेन ए ऑप्शन सही है आपका। क्या है? ए ऑप्शन सही है आपका, सुचित्रा सेन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। थ्री पूसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? थ्री पूसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो ये तमिलों के द्वारा मनाया जाता है तमिलनाडु में। ये हिंदू धर्म का तमिल समुदाय का त्यौहार है। यह तमिल समुदाय की उपस्थिति वाले देशों जैसे भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार, इन सभी देशों में मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि तमिल समुदाय इन सभी देशों में निवास भी करता है, तो यहाँ ये आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका फ्लेमिंगो त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? फ्लेमिंगो त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? ये आपका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ये आपको आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में देखने को मिलेगा। पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य के पास सुल्लूर पेटा में मनाया जाता है। पुलिकाट झील और आसपास के संरक्षण के कार्यों में लोगों और विभिन्न विभागों को एक साथ लाने के लिए हर साल उत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसमें याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, वार्षिक रॉयल कैथीना समारोह किस धर्म से संबंधित है? ये आपका बुद्ध से संबंधित है, बुद्ध धर्म से संबंधित है। ये आपका एक बुद्ध धर्म का वार्षिक त्यौहार है जो थाईलैंड के बाहर किसी भी बुद्ध धर्म में बुद्ध मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शून्य का आविष्कार किसने किया? ये तो आप, मुझे लगता है कि आप सभी को मालूम होगा, आज्ञात भारतीय, आज्ञात भारतीय। प्राचीन भारतीय सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है शून्य का विकास, यानी कि जीरो का। यह सिस्टम अंकों के लिए स्थान मान निर्दिष्ट करके 9 अंकों और शून्य के लिए प्रतीक को सभी अभिन्न संख्याओं को इंगित करने के लिए उपयोग करता है। इसका प्रयोग वाल्मीकि रामायण में, वेदों में भी देखने को आपको मिलकर, इसका प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में भी आपको देखने को मिलेगा। इससे हम कह सकते हैं कि शून्य की खोज अज्ञात भारतीय ने की थी, यानी कि भारत में हुई है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इसका नाम किसी को मालूम नहीं है, इसलिए रख दिया अज्ञात भारतीय, जिसे ज्ञात नहीं है जो। चलिए सही है। अगला क्वेश्चन क्या था? क्या है आपका, वेद समाज की स्थापना किसने की? तो ये तो आपको मालूम भी होना चाहिए, वेद समाज की स्थापना की थी आपके केशव चंद सेन साहब ने, केशव चंद सेन साहब ने। और आप जानते होंगे कि प्रार्थना समाज की स्थापना की थी किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनते रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मनुष्य के लिए एक धर्म, एक जाति और एक भगवान का सिद्धांत दिया? मनुष्य के लिए एक धर्म, एक जाति और एक भगवान का एक तरह से सिद्धांत दिया। तो ये थे श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु। ठीक है, और उनके एक शिष्य थे, उन्होंने क्या कहा था कि मनुष्य के लिए कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भगवान नहीं।
उनके जो गुरु साहब थे उन्होंने क्या कहा, मनुष्य के लिए एक धर्म है, एक जाति और एक भगवान का सिद्धांत दिया, और उनके शिष्य ने ऐसे पलट दिया बिल्कुल कि मनुष्य के लिए कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई भावना नहीं है, भगवान नहीं है। समझ रहे हैं? मतलब गुरु से इनसे की क्या बुराई थी या क्या थी? तो गुरु ने कहा कि नहीं ये रोटी है, तो उन्होंने कही ये पानी है, उन्होंने कहा कि नहीं ये पानी नहीं ये दूध है, यानी कि अपने गुरु के विरोध में जाकर। क्वेश्चन है आपका, दप्पू नित किस प्रदेश का नित्य है? दप्पू नित किस प्रदेश का नित्य है? ये आपको देखने को मिलेगा, ये आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सी शेर कविता निम्नलिखित में से किसकी रचना है? सी शेर से शेर कविता निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ये है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। आप जानते हैं कि इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, कब? 1913 में, गीतांजलि के लिए। ठीक है, तो पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये भी कई बार क्वेश्चंस बन जाता है। मेघदूतम की रचना किसने की? आपके कालिदास ने। ये संस्कृत की प्रसिद्ध रचना है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय गायक और नर्तकियां सारंग तारोनलाई फिल्म समारोह में पारंपरिक प्रतिभागी हैं, जो में द्विपक्षीय रूप से आयोजित की जाती है, तो कहाँ? समरकंद। समरकंद में द्विपक्षीय रूप से आयोजित की जाती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है अगला आपका, भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भारत के महान युग परिवर्तक लेखक रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हें भारतेंदु की उपाधि कब दी गई थी? 1880 में। उन्होंने मात्र 13-35 वर्ष की आयु में अनेक पुस्तकें लिख दी थी। 1982 से आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार भी उनके सम्मान में दिया जाता है, शुरू किया गया था 1982 में, तो याद रखिए। क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? तो इसमें आपका सिंगापुर की है और श्रीलंका दोनों की है, क्योंकि यहाँ देखेंगे तमिल समुदाय काफी मात्रा में यहाँ लोग रहते हैं, संख्या में यहाँ। ठीक है, याद रखिए। ये भी आपने कुछ समय पहले काफी चर्चा में भी रहा था न्यूज़पेपरों में, सबरीमाला किस प्रदेश में है? सबरीमाला किस प्रदेश में है? तो ये आपका सबरीमाला केरल में देखने को मिलेगा। यहाँ महिलाओं को जाने की एक तरह से आप कहिए कि रोक लगी हुई थी, फिर आपने देखा है कि हमारी उच्च न्यायालय ने इसे हटा दिया है, अब कोई भी जा सकता है। केरल में पथनामथिट्टा जिले में पेरूंड ग्राम में आपको देखने को मिलेगा, या पश्चिमी घाट पर पेरियार टाइगर रिजर्व भी है, यहाँ देखने को मिलता है। गंगा सागर मेला नामक वार्षिक मेला किस प्रदेश में लगता है? गंगा सागर मेला नामक वार्षिक मेला किस प्रदेश में लगता है, किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। ये भारत का कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है, पहले नंबर पर कुंभ, उसके बाद देखेंगे आप लोग, उसके बाद इसका सागर, गंगा सागर मेला का नाम आता है। ये आपको पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में देखने को मिलेगा, जनवरी में लगता है, जनवरी महीने में, 6 दिन का। इसमें श्रद्धालु मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करके कपिल मुनि मंदिर का दर्शन भी करते हैं। मकर संक्रांति, जब भी आपके मन में मकर संक्रांति का जिक्र आता है तो लड्डू जरूर गूंजने लगते हैं यार। लेकिन याद रखिए, अब हमारे धर्म में अब कुछ ज़्यादा ही त्यौहार नहीं मनाए जाते हमारे भारत में,
एक समय आप देखते थे कि मकर संक्रांति होती थी, कितने लड्डू बनते थे, महीनों खा रहे हैं हम लोग बैठ के। और आज आप देखिए बदलता जा रहा है सब। क्वेश्चन है हमारे सामने, रमन किस प्रदेश का त्यौहार है? ये आपको उत्तराखंड का है। कहाँ का? उत्तराखंड का। ये उत्तर प्रदेश से अलग करके राज्य बना था उत्तराखंड। ये आपको उत्तराखंड की गढ़वाल क्षेत्र में देखने को मिलेगा त्यौहार, ठीक है, चमोली जिले के सलोर डोंगरा गांव में। ये त्यौहार आपका देवता भूमि या देवता को एक भेंट के रूप में आयोजित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रसिद्ध नवा कलेवर त्यौहार किस प्रदेश से संबंधित है? ये आपका उड़ीसा से संबंधित है। कहाँ से? उड़ीसा से संबंधित। नवा कलेवर उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर का त्यौहार है। यह 12 से 19 वर्ष में एक बार आता है। यह हिंदू धर्म के पंचांग के अनुसार 2 आषाढ़ आने पर मनाया जाता है। इस त्यौहार में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियों को नई मूर्तियों द्वारा प्रतिस्थापित भी किया जाता है इसमें, ठीक है, उड़ीसा में है। तो चलिए, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे आपकी 18वीं टेस्ट के बारे में।